बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा अब उफान पर है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे को हवा देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी बीच प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मिलने का वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि इस मांग के पीछे उनकी कोई राजनीति नहीं है, अगर जातीय जनगणना होती है तो नौकरी के लिए योजनाएं भी बनाई जा सकेंगी। वहीं अगर केंद्र सरकार तैयार नहीं होती है तो बिहार सरकार को कर्नाटक की तर्ज पर राज्य में जातीय जनगणना करवानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सत्ता पक्ष से मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ये केंद्र का विषय है और केंद्र के सामने सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, सारे देश के परिपेक्ष में उसका फैसला होता है और ऐसे में ये फैसला आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के समय देने के मामले पर उन्होंने कहा कि ये मामला मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का है, ये वही बताएंगे। देखिए, जातीय जनगणना सही है और गलत है ये निर्णय केवल एक राज्य नहीं कर सकता और न हम कर सकते। राज्य में जो अपनी स्थितियां होती हैं इसके मुताबिक राज्य की सरकारों का कुछ फैसला होता है, देश के परिप्रेक्ष्य में उसका फैसला होता है। ऐसे में यह फैसला आसान नहीं होगा, उसमें सभी राज्यों को केंद्र को देखना पड़ेगा और देखना पड़ता है। इसलिए केंद्र के लिए जो विषय हमारे लिए जो विषय आसान लगता है केंद्र के लिए उतना आसान नहीं होता। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है। आज लगभग जो है 1 हफ्ता से ज्यादा हो चुका है लेकिन अब तक प्रधानमंत्री द्वारा समय हम लोगों को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं से अगर 1 हफ्ते से मैं नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं से ये मुख्यमंत्री जी का अपमान। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।